गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की सब्जी। हमने इतनी पालक ली है, इसको हम हल्का सा बॉईल करेंगे। ये हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया, अब इसमें हम पालक डाल देंगे। ये हमें इसको 5 मिनट तक बॉईल करना है, इसको पूरा उबालना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए पालक। ये हमने गैस बंद कर दी, अब इसको ठंडा होने देंगे। इसे बनाने के लिए हमने 2 प्याज लिए, 2 टमाटर, हरी मिर्च 5, 5-6 लहसुन, थोड़ी सी अदरक। इसको हम बारीक से काट लेंगे। ये हमारा पालक ठंडा हो चुका है, इसको हम पीस लेंगे। इसमें हमने 2 हरी मिर्च ली है, 2 लहसुन लिया है, थोड़ी सी अदरक डालेंगे इसमें। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें जार में जो पालक लगी हुई थी, इसमें हम पानी डाल के इसमें हमने इसी पेस्ट में हम डाल लेंगे। अब हमने इसमें 3 चम्मच हमें बेसन लिया है, तीन चम्मच हो गए। अब इसमें हम इसको हम मिला लेंगे। अब इसमें हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम तवा रखेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसको हमें इसी में फैला देंगे, इसी तरीके से जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। ये हमारा देखिए एक तरफ से पक चुका है अच्छे से। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड हो चुका है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे इसी तरीके से चिल्ले बना लेंगे इसके। इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। हमने कढ़ाई रख दी, इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने तेल डाला है। इसको गर्म होने के बाद हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी। इसको चटकने के बाद हमने प्याज डाल दिया, इसको हमने बारीक से काट लिया था। ये हमारा पक चुका है। इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाला जलने ना पाए। हमने पानी डाल दिया इसमें। अब इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसको भी हम पकने देंगे। इसमें अब हम नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, इसको अब हम पकने देंगे। ये देखिए हमारा 3 से 4 मिनट हो चुका है, ये हमारा पक चुका है मसाला अच्छे से। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितने हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डाल देंगे इसमें। अब इधर इसको हम खौलाने तक पकाएंगे।
इधर तब तक ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से सारे कट कर लेंगे हम पीस। ये जब ठंडा हो जाए तभी इसको कट करना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ये। ये हमारे कट हो चुके हैं। ये हमारा मसाला भी पक चुका है, उबाल आ चुका है। अब इसमें एक एक करके सारे पीस डाल देंगे। हमने सारी पीस इसमें डाल दिए। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, ढक के पकाएंगे इसको। ये देखिए हमारा 5 से 7 मिनट हो चुका है, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार।